वो क्या है ना, वैलेंटाइन आ रहा है तो मैं अभी से ही तैयारियां शुरू कर रहा था, इसलिए खा रहा हूँ। कई लोगों ने मार्केट में अफवाह उड़ा रखी है कि लड़के चॉकलेट नहीं खाते। खाते हैं भाई, देखो खाते हैं, खा रहा हूँ ना मैं। भाई कॉलेज में कभी भी कोई तुमसे पैसे मांगे, उधार मांगे ना, तो उसको हमेशा यही बात सुनानी है, देखो ध्यान से सुनो। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दी। समझ गए ना, ध्यान से। अब देखो आज एक गलती के बारे में बात करेंगे, और वो गलती ऐसी है कि उसके चक्कर में बहुत भैया पैसे बर्बाद हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आपने पहले सुनी है कि नहीं सुनी, तो बहुत काम की होगी, तो ध्यान से एक बार देख लो। कॉलेज में हर बच्चा ये गलती करता ही करता है, जाने अनजाने ना चाहते हुए भी वो कर देता है, उसको बाद में रियलाइज होता है ये जब पास आउट हो जाता है। तो अभी ध्यान से सुनो ये। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि आजकल ऐसे दिल वगैरह भी बनने लग गए सिल्क के अंदर। अभी पूरी खोली ना तब देखा मैंने इसको, तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेम करा के रख दूं, असली में तो मिलता नहीं, चॉकलेट में तो मिल रहा है। तो आज बात करेंगे ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने में ना चाहते हुए हर कॉलेज का बच्चा करता ही करता है, और उसके बाद उसके हजारों रुपए बर्बाद होते हैं इस चीज में। इम्पॉर्टेंट बात है, मजाक हो गया जितना हमें करना था, आप काम करते हैं, सीरियस की बात करते हैं आराम से। तो सुनो अब ध्यान से, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है तुम्हारी कॉलेज लाइफ के लिए, तो ध्यान से सुनो। कि नाखों ने मंजर कई देखे हैं, पक्के मकान होते बंजर देखे हैं, तुम्हारे भाई ने लिखा है, देखो क्या शायरी मारी है। तो आज बात करेंगे ऐसी कुछ गलतियों के बारे में चॉकलेट खाते खाते। अब ये जो गलती है ना, ये गलती ये है, आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी इससे पहले, एक ही गलती है, आगे चल के बहुत बड़ी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। हमें इनिशियली रियलाइज नहीं होती ये चीज कि ये हो रही है हमारे साथ, लेकिन ये बहुत दिक्कत देती है। अब गलती ये है, आपके साथ स्कूल में भी हुई होगी श्योर हूं मैं। तो गलती ये है कि भैया जब दोस्त उधार मांगते हैं पैसे, ठीक है कॉलेज में चीज बहुत होगी, कोई सीनियर या फिर कोई भी उधार बहुत मांगते हैं लोग, आप भी नए नए दोस्त बने उनसे, तो आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओगे कि चलो अभी स्कूल छोड़ के कॉलेज आए, ठीक है मांग रहा है अगला दे देगा, वो देता नहीं है। जब देने की बारी आती है ना तो नानी याद दिला देंगे आपको, पर पैसे नहीं आएंगे। तो पैसे उन्हीं को देने हैं जिनके आप बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाओ, वो भी थोड़े टाइम बाद, एकदम ऐसे नहीं कि पहले दिन ही मिले क्लास में, अभी तक ऑनलाइन मिले हैं, अब मिले मिलते ही किसी ने कुछ मांगा हफ्ते दो हफ्ते के अंदर और आपने दे दिए। ये गलती मत करना, आपके खुद के कम पड़ जाएंगे उस बंदे के चक्कर में। पिताजी अंबानी है तो अलग बात है, अंबानी नहीं है नॉर्मल हो तो भाई लगते हैं, ठीक है ऐसे ना बहुत बच्चे लुटा देते हैं पैसे, और ये बहुत ज्यादा चीज इफेक्ट करती है। इस मामले में लड़कियां पता है सही होती हैं, मतलब आप लड़कियों को दे दोगे ना वो वापस तो दे देंगी, लड़के ऐसे जाहिल होते हैं ना, उनको आप एक बार दे के देखो और उसके बाद वो ऐसा सोच लेंगे कि भैया वो पैसे तो हमारे ही हैं, तुम मांगोगे ना उनसे जब पैसे, तो वो ऐसा सोच लेंगे कि भाई ये हमारे ही हैं, अब इसको तो देने ही नहीं है, मेरे ही हैं, ऐसे बताना पड़ता है कि भाई मैं अपने ही मांग रहा हूँ। तो भाई बहुत ध्यान रखना, ये बात सुनने में छोटी लगती है लेकिन जब कोई सामने से मांगता है ना ऐसे इमोशनल हो के, हमें नहीं पता उसको उस पैसे का क्या करना है, ऐसे डेरी मिल्क सिल्क खरीदनी है वैलेंटाइन डे के लिए या फिर उसको क्या यूज में लेना है, एक्चुअली में कुछ जरूरत है हमें नहीं पता, एकदम ही किसी को बहुत ही ऐसी नीड है तो अलग बात है, तो भाई फिर घर वाले भी तो है उनसे मांगो ना, ऐसा तुमने क्या कर दिया है, कोई जुआ खेला है क्या किया है, तुम्ही से क्यों मांग रहा है वो इंसान। दोस्ती यारी में चलता है, लेकिन दोस्ती यारी अभी 2 महीने में नहीं बनती है, 2 महीने में तुम एकदम से लुटा दो कि भाई 5,000-2,000 रुपए मांग लिए किसी ने, हालांकि ना 2,000 में तुम गरीब हो जाओगे ना वो अमीर हो जाएगा, पर फिर भी तुम्हें देके भेजे हैं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे खर्चे के लिए, ठीक है दूसरों के लिए। ये कोई जन कल्याण योजना नहीं निकली है प्राइम मिनिस्टर की कि पूरे जगत में बांटते फिरो, तो बहुत ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे ऐसे बहुत बर्बाद होते हुए देखे हैं मैंने लोगों के, अपने दोस्तों के दे दिए बांट दिए फिर आए नहीं वापस, किसी के 4,000 किसी के 5,000 किसी के 10,000, वो होते होते 2-3 साल बाद 30-40 हजार हो गए। तो ये है ना मत करना, आराम से अपने लिए जियो, थोड़ा है ना यहाँ पे ना कहना सीखो लोगों को, कोई शर्म की बात नहीं है, ना कहना बोल दो, नो मीन्स नो, ठीक है ना आना चाहिए कहना, एहसान थोड़ी लिया तुमने किसी का कि तुम्हें देने ही देने हैं, ठीक है। और ये होती है कॉलेज में चीज, जब आओगे ना कॉलेज तब देख लेना, जो भी फ्रेशर अभी देख रहा है लोग मांगेंगे तुमसे, थोड़े दिन में हो जाता है ये स्टार्ट कि भाई दे दे ये कर दे वो कर दे, लोग यूज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है कि किसी जगह चले गए पीछे खिसक गए अब तुम कर दो वही पे, चीज बहुत होती है, बहुत ज्यादा मैंने भी महसूस की है देखी है सामने होती हुई, तो इससे आप बच के रहना ठीक है हमेशा। और शॉर्ट एंड स्वीट में ये बात मैं बता रहा हूँ कि बच के रहना, ध्यान से रहना, कॉलेज वगैरह में बहुत होता है, आपने स्कूल में भी आजकल एडवांस हो गए हैं स्कूल में भी, तो स्कूल में भी होता हुआ देखा ही होगा, कॉलेज में चीज और एक ऊपर चली जाती है लेवल पे, तो ध्यान रखना ठीक है। बाकी सब मजे हैं, बाकी सब अच्छा है, बाकी फिर आप वापस से नई वीडियोस में, कुछ बिजी था पिछले हफ्ते,
अब वापस से जल्दी जल्दी लाते हैं। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आया है भाई, हम यहाँ पे है ना कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं, तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, सारे टॉपिक्स उसी से रिलेटेड है। फिर जिसको पसंद आई हो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी काम की बात थी है, तो मुझे लगा बता देनी चाहिए। अब अगली वीडियो में बात करेंगे भाई, एक मस्त है वो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, हॉस्टल का कमरा, ठीक है, सिंगल रूम और डबल रूम, वो मस्त है। काफी लोगों का डाउट भी रहता है सिंगल रूम लें डबल रूम लें, तो उसकी एक रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन कर देंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी पीस आउट बाय, लव यू ऑल, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। जब मिलेंगे तब सिल्क खाएंगे साथ में, अभी के लिए इतना ही, बाय, ध्यान रखो आप सब, मिलते हैं जल्दी।